अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम अहमद खान यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है कौरमे की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। इसमें मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कौरमा। इस रेसिपी से बताऊंगी कि आप लोगों का जो कौरमा है वो बस 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए हम लोग कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। कप ऑयल और हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़ी प्याज। अगर आप लोग 2 बड़ी प्याज नहीं ले रहे तो आप लोग 3 ले लें। और हम लोग इस प्याज को करेंगे ब्राउन। ये देखें, हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी हुई है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और जो है इसके बाद हम इसे दही डाल के अच्छे से ग्लेंडर कर लेंगे। अब हम लोग इसी गरम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे 5 से 6 दालचीनी, 6 से 7 लौंग, से 12 काली मिर्चें और 4 छोटी इलायचियाँ। आप लोग इसके अंदर बड़ी इलायची भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, 1.5 टीस्पून कर लें। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और इस सारे को अच्छे से भून लेंगे। हम लोग इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और 1 कप हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे दही। हल्दी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जो है वो इसके बहुत अच्छे स्मेल भी देगा और टेस्ट में भी इसे बहुत मज़े का बनाएगा। रेड चिली पाउडर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और अब हम लोग 10 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। अपने इस गोश्त को पानी में भिगो देना है ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए, और ब्लड निकालना इसका बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो होता है हमारे गोश्त में से वो ब्लड की स्मेल नहीं आती और हमारा गोश्त है वो भी ब्राउन कलर का बनता है। और जो लोग अपने गोश्त का जो है वो ब्लड नहीं पानी में भिगो के निकालते, तो उनका जो गोश्त होता है वो पकने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है और उनके गोश्त में से भी ब्लड की स्मेल आ रही होती है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। ये 1 किलो गोश्त था। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हल्दी भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हमने सिर्फ गोश्त को स्टीम देके गला लेना है ताकि जो है हमारा कौरमा वो जल्दी से रेडी हो जाए। ये जो रेसिपी मैं आप लोगों को कौरमे की बता रही हूँ, इससे आप लोग 20 मिनट में कौरमा रेडी कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफ़ा। अब हम लोग इसके ऊपर 15 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। मैंने यहाँ पे सारी रूखी पोटियाँ ली हैं इसलिए ये 15 मिनट में हो जाएंगी। अगर आप लोग हड्डी वाला गोश्त ले रहे हैं तो उसको 20 मिनट लगेंगे। तो चलिए मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा देती हूँ और आप लोगों से 15 मिनट के बाद मिलती हूँ। प्रेशर मैंने जो लगाया था उसे 15 मिनट हो गए हुए थे। हमारा जो गोश्त है ये अच्छे से गल गया है। तो अब हम लोग इसे इसके ये जो पानी है इसके अंदर इसके समेत हम ऐड करेंगे। इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हुए हैं और इसके साइडों से जो था वो ऑयल भी ऊपर आ गया हुआ है। अब हम लोग इसके अंदर गोश्त और पानी ऐड करेंगे जो हमने प्रेशर लगा के तैयार किया था, और फिर हम लोग इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो चलिए अब मैं इसके अंदर वो ऐड करती हूँ।
अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर 10 मिनट के मैं बाद आप लोगों को बताऊंगी। बस एक चीज़ रह गई है, हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने इसके अंदर ऐड करना है। फिर हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे और हमारा कोरमा हो जाएगा बिल्कुल रेडी। ये देखिए हमारे कोरमे को जो था वो बनते हुए 10 मिनट हो गए हुए थे इस गोश्त के साथ। तो ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया हुआ है। जो हम लोगों ने इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना था वो है जी केवड़ा। हम लोग इसके अंदर सिर्फ 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर ज़्यादा केवड़ा डालेंगे ना तो हमारा जो कोरमा है वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए केवड़ा आप लोगों ने इसके अंदर बहुत एहतियात से ऐड करना है। ये देखिए एक, और ये हम इसके अंदर दूसरा ड्रॉप डाल रहे हैं, 2 ना सा केवड़ा हमने डालना है और इसे अच्छे से कर देना है मिक्स। जब भी फ्लेम ऑन है इसके नीचे ना, ये देख सकते हैं आप लोग हमारा कोरमा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक। और अगर आप लोग मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग करेंगे एमन खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को कर दे प्रेस, ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।